ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आई होप कि आप लोग अपने से बना चुके होंगे, जिससे नहीं बनाया आपने, जिससे गलती हो गया बनाने में, वो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ए बी सी के रूप में तोड़ेंगे। तो ए बराबर 1, बी बराबर 11 और सी बराबर -1452। यहाँ तक हम लोग जानते हैं किस तरीके से आया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डी। बी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी मतलब 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1452। 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये -4 को 1 से करेंगे तो -4 ही आएगा। इंटू एक मिनट, यहाँ पे जो है -1452 है, एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा -1452। ठीक है, चलिए अब जो डी है, डी का हमारे यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। डी बराबर जो 121 है अपने जगह पे, और ये माइनस जब बीच में गुना होगा तो क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, ये माइनस ए माइनस जब गुना होगा तो प्लस, और चार के टेबल से जब इसको गुना करते हैं तो 4 × 8, 5 × 10 की 0 हासिल 1, और 4 × 16 की 7 हासिल 1, और 4 × 4 = 5। इनको जोड़ने पे हमको मिलेगा 8 × 1 = 9, 2 और 2 उसके बाद 7 × 8 = 5। एक गलती की है, क्या सीखे, यहाँ पे देख लेते हैं, 4 × 8, 5 × 10 = 4, 4 × 16 = 7, 4 × 5 = 5। 57 = 8 = 121। ठीक है, 58 = 29। चलिए कोई प्रॉब्लम तो मिला है क्या, चलिए ठीक है, हो गया था थोड़ा सा उसको गलती जोड़ दिए थे। अब चलिए हमारे पास क्या निकालना है, x निकालना है, x बराबर गुना करने से एक्चुअली सिर्फ 5808 आना चाहिए। ठीक है, चलिए वही गलती हो रहा था। अब x बराबर मतलब जो है उसको लगा देते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d / 2a। x बराबर -b, b की जगह क्या है, 11 है, 11 प्लस में है तो उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका वही हो सकता है। चलिए 5 × 9 = 2 को रूट में 2 × a का वैल्यू क्या है, -11 प्लस माइनस, इसका जो वैल्यू आएगा इसका वर्गमूल 77 आएगा, 2 × 2 = 2। ठीक है, एक बार -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2, एक बार x बराबर -11 -77 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 77 में से 11 चल जाएगा तो 66, और 66 को 2 से टेबल काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 33, जो हमारे यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। और ये जो है -88 / 2 यानी मिलकर ये -44 बनेगा, जो कि हमको ऋणात्मक में इसका मान नहीं लेना, 88 बनेगा तो ये जो है माइनस वाला नहीं लेना था, 66 माइनस वाला, अभी भी चार नेगेटिव में नहीं हो सकता है, हमेशा चार किस में होगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे यही वाला आंसर है, और इसके अनुसार जो दूसरा मान लेते ठीक उसी तरीके से, ये तो सवारी गाड़ी का निकला, एक्सप्रेस गाड़ी का अपने अनुसार बना लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। सर जी ने इतना मेहनत करके आप लोगों को मैथ बताया है, और सभी बच्चे जो है अच्छे से मन लगा कर वीडियो देख कर, नहीं आप उसको लाइक कीजिए, और बार बार जो है जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को रोक कर आगे समझना, बेस्ट ऑफ लक। अब नया चैप्टर चालू कर